मैं हूं रजत राणा और आप देख रहे हैं वायरल हरियाणा। दोस्तों, हम लगातार बीमारियों पर लेकर आपके सामने ऐसी खबरें लेकर आते हैं ताकि बीमारियां आपकी ठीक हो सके। और जो बीमारियों की अगर बात की जाए तो डिस्क की समस्या हो, जोड़ों का दर्द हो, गठिया हो या फिर नसों की ब्लॉकेज हो, सर्वाइकल हो या फिर लकवा हो, ये सारी चीज़ें हैं। अधरंग जिसको कह देते हैं, वहाँ देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है नंदू पहलवान। यहाँ पर बताया जाता है कि इलाज होता है। जी हाँ, इन सारी बीमारियों के इलाज यहाँ पर किए जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सर्वाइकल से परेशान हैं, डिस्क की प्रॉब्लम से परेशान हैं, इसके अलावा नसों की ब्लॉकेज से परेशान हैं, और अगर बात की जाए जोड़ों के दर्द से, गठिया से, इन सब बीमारियों से परेशान हैं। तो ये खबर आप सभी के लिए है और आप सभी से मैं अपील करूँगा, जो जो लोग इस बीमारी से परेशान हैं उन सभी तक इस वीडियो का जाना बेहद ज़रूरी है। काफ़ी जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वहाँ पर जाकर जो है आप इलाज करवाते हैं, लेकिन जब तक इलाज चलता है आराम रहता है, लेकिन कहा जाता है यहाँ पर जो है गारंटेड इलाज इन चीज़ों का किया जाता है और लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं। तो हम ये जानने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, निंदू पहलवान यहाँ पर है, और देखिए बहुत सारे मरीज भी जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, इनसे भी ज़रूर जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन पहले जो इलाज की पद्धति है, कैसे यहाँ पर इलाज किया जाता है, इन सभी चीज़ों का वो हम यहाँ पर देखेंगे। और आप सभी से अपील यही करूँगा कि इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर करें। देखिए इलाज यहाँ पर किया जा रहा है, और जो इलाज है देसी तरीके से इलाज यहाँ पर किया जाता है, जो कि विदेशों से भी, जी हाँ विदेशों से भी मरीज आकर यहाँ पर अपना इलाज करवाने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। बड़े बड़े अस्पतालों में आप इलाज करवाने के लिए इनका पहुँचते हैं, लेकिन आपको जो है काफ़ी सारे पैसे आपके खर्च हो जाते हैं लेकिन आराम नहीं हो पाता। तो हम जानना चाहेंगे सर, किस किस चीज़ का इलाज आप करते हैं, बहुत सुना है आपके बारे में, इसलिए मेरे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और हमारे यहाँ डिस्क समस्या, सर्वाइकल, लकवा, धरण, नले, नब्बे, कोडी, डूडी, नेचुरली जो चीज़ें हैं उसका 100% इलाज होता है। और मैं तो बेटा साथ में कर रहा है, मनीष पहलवान है, ये भी साथ में काम कर रहा है मेरे 10 साल से, और हम पिछले 22 साल से नरेला में यहाँ सेवा दे रहे हैं, और लाखों पेशेंट अपने पास, और साथ में जिसका नशे का भी हमारे पास। सर, मैंने सुना है कि जैसे नसों की ब्लॉकेज है, डिस्क की प्रॉब्लम है, इनके भी इलाज आप करते हैं? हाँ बिल्कुल, 100% इलाज है इसका। डिस समस्या का भाई बैठे अभी आपके सामने, पेशेंट बता देंगे, तो पेशेंट से ही पता करके देखो आप, डिस का बिल्कुल 101%, ये मान लो आपको 1000 आदमियों का नंबर हम दे देंगे डिस के जो ठीक हुए हैं। सर, जैसे नसों की ब्लॉकेज आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, जिस कारण हार्ट के जो पेशेंट हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसका भी इलाज करते हैं? वो सर्वाइकल से एक हाथ में जैसे नस ब्लॉक हो जाए गर्दन की मणके में, ये जैसे आप देख रहे हैं ना जी, ये हड्डियों का ढांचा देख रहे हैं पत्रकार जी, पीछे का हिस्सा है जी, ये आगे का है जी, ये मणके जो देख रहे हैं ना इसमें, इस मणके में नस दब जा रहे हैं, ये है अपना नर्वस सिस्टम जी। तो ये यहाँ से नस दब के वहाँ तक जाएगी, ये सर्वाइकल है। अच्छा, सर्वाइकल इससे होता है? इससे होता है, ये डिश होती है जो स्लिप हो जाए जी, यहाँ डिश में नस दब गए और नीचे तक जहाँ भी जाएगी वहीं तक दर्द आ जाएगा। तो हम इसको नस को बिल्कुल उसमें जो मणके के बीच में उसको निकालेंगे, और देसी तरीके से बगैर ऑपरेशन, बगैर चीरा पाड़ी, चैलेंज के हिसाब से काम करेंगे। तो देखिए दोस्तों, चैलेंज के हिसाब से काम किया जाता है, चैलेंज दिया जाता है, और बिल्कुल देसी तरीके से इलाज जो है यहाँ पर किया जाता है। इनके बेटे भी हमारे साथ हैं, उनसे एक बार जान लेते हैं सर क्या कुछ कहना चाहेंगे। आजकल बहुत ज़्यादा समस्या आती है नसों की ब्लॉकेज की, जोड़ों के दर्द की, और इसके अलावा अगर बात की जाए सर्वाइकल एक बड़ी प्रॉब्लम है, तो ऐसे में लोग जो है काफ़ी परेशान होते हैं। अगर घुटनों के दर्द की बात की जाए वो भी एक बड़ी समस्या है, तो ये सब इलाज किए जाते हैं? आप यहाँ पर पहुँचे, आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई, सभी को हाथ जोड़कर राम राम, जितने भी आपके दर्शक देख रहे हैं। और हमारे पास जैसे आपने बताया जोड़ों के दर्द है, गठिया बाह है, डिस्क समस्या है, सर्वाइकल है, नसों का रुक जाना है, इसके लाखों पेशेंट है जो चारपाई में गिर के लाए और वे ठीक हो रहे हैं, आजकल दौड़ लगा रहे हैं जी। तो उसकी उसका पहले मशीन लगा के हम चेक करते हैं, जैसी उसकी पूरी कंडीशन ठीक होने की है तो उसको दवाई चलाते हैं, ना वरना खाम का पैसा नहीं लगवाते, मना कर देते हैं। अच्छा।
उसमें अगर पेशेंट की पूरी कंडीशन समझ में आएगी कितने दिन में ठीक हो पाएगा तो उसको पूरा तरीका बता देंगे, उतने दिन का इलाज बता देंगे, उसी हिसाब से देसी तरीके से इलाज होता है, 100% इलाज करते हैं जी। हाँ जी, जिसको आप चेक कर लेते हैं और आपको लगता है ये ठीक हो सकता है, उसकी गारंटी फिर आप देते हैं? उसको पेशेंट खुद ही बता देगा अपने आप 10 दिन में। अच्छा। उसको अगर आज ये पेशेंट बैठे हैं भाई, आप ये खुद ही बताएंगे इनका, आप इनसे पूछो। डिस्क की दिक्कत थी सर? डिस्क की दिक्कत थी आपको? बिल्कुल, डिस्क की दिक्कत थी सर। कहां से आए हैं? मैं नेरला से हूँ। अच्छा। मैं घूमा बहुत सगा, मैं करनाल भी गया, राजस्थान भी गया, राजस्थान भी गया, कई जगह गया, जैसे अजमेर भी गया। अच्छा। लेकिन मेरे को इलाज नहीं मिला प्रॉपर। मेरे पिताजी इंस्पेक्टर थे, अपनी मैस में भी ले गए, वहाँ पे भी मतलब इलाज, सरकारी इलाज भी करवाया, प्राइवेट भी करवाया, कई लाख रुपए लग गए। वजन मेरा 75 था पहले। अच्छा। फिर मैं चला गया 120 125 पे चला गया। फिर मैं पहलवान जी का नाम लिया किसी का, फिर मेरे मनीष भाई का नाम सुना, फिर मैं यहाँ पे आया दोबारा। मैं सर, मैं अब आराम है? बिल्कुल आराम है सर। मेरे को 4-5 साल में दुखी रहा, बहुत ज़्यादा दुखी रहा। हमें फिटनेस भी ठीक है, हेल्दी भी ठीक है, दौड़ भी करता हूँ, वेट लिफ्टिंग में मैं नेशनल भी लेके आया हूँ। बहुत बढ़िया इलाज है, बहुत परफेक्ट। तो दोस्तों देख लीजिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। और ये भाई आपकी स्क्रीन पर हैं जिनको डिस्क की प्रॉब्लम थी और इनका कहना है 4 सालों तक ये परेशान रहे हैं और उसके बाद अब ये बिल्कुल ठीक हैं, दौड़ भी लगाते हैं, यहाँ तक कि वेट लिफ्टिंग में भी ये जोर आजमाइश करते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं बिल्कुल देसी तरीके से इलाज करते हैं सर? बिल्कुल देसी तरीके से इलाज है, कोई चीड़ फाड़ नहीं। देखा, बोला कि इतने दिन का ट्रीटमेंट है आपका, 3 महीने में आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। मैं 2 महीने में फिट हो गया सर। दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये बीमारियां जो हैं डिस्क की है या फिर नसों की ब्लॉकेज की है, जोड़ों के दर्द की है, सर्वाइकल की है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें इस समय हो रही हैं, तो दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूँगा, आप कहीं ना जाके ना सीधा मनीष भाई के पास आओ, आप यहाँ आपका इलाज और तसल्ली आपको ऐसे मिलेगी बहुत बढ़िया, और रेट ना बराबर है सर, बिल्कुल जायज़ रेट है, बिल्कुल ना खर्च के बराबर। तो देख लीजिए, जब इलाज भी हो जाए और आपका खर्च भी ना हो तो अपने आप में एक बड़ी चीज़ होती है। और आप सभी से हम अपील करेंगे कि इस खबर को इतना ज़्यादा शेयर करते रहें ताकि जो भी मरीज हैं उन तक ये खबर ज़रूर पहुंचती रहे। देखिए, देख सकते हैं जो दवाइयां हैं बिल्कुल देसी, जो दवाइयां हैं जड़ी बूटियों की से बनी जो दवाइयां हैं वो भी यहां पर दी जाती हैं। और चार्ट यहां पर आप देख सकते हैं, पूरी प्रॉपर तरीके से आपको समझाया भी जाएगा कि बॉडी में कहां पर आपके फॉल्ट है और उसको जो है फिर ये बताया जाएगा, इलाज किया जाएगा। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप यहां पर आए हैं, क्या दिक्कत है उसके लिए जो आप यहां पहुंचे हैं? राम राम जी। मेरे इस दर्द है, इस पैर में दर्द है। अच्छा। दर्द का ना मैं उठने का ना बैठने का, रोया पिटी तड़के दसान का ही। नौकरी करता हूँ प्रोफेशन में। अच्छा। मेरा पैनल भी हॉस्पिटल है, उनमें भी गया, बालाजी में भी, सरोज में भी, सोनीपत भी, पानीपत भी, काफ़ी जगह गया, काफ़ी पैसा लग गया, लाखों रुपया है ना, लाखों रुपया भी बत्ती पैसा लग गया, मेरा कोई आराम नहीं हुआ। आराम नहीं हुआ ये बने 5-4 बार आया हूँ, अब इतना है, काफ़ी आराम है। हाँ, अब मैं तो देख लीजिए, चल फिर सकते हैं बिल्कुल, पहले चल फिर नहीं सकते थे, दिक्कत रहती थी, लेकिन अब चल फिर सकते हैं, इलाज के लिए यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं। देख लीजिए, खुद बता रहे हैं। और आप सभी से दोस्तों यही अपील करूँगा कि खबर को शेयर जरूर करें, कमेंट कर अपनी राय भी देते रहें जी। नहीं तो मेरे पहले कभी नहीं चल जाता था, आँखों में पानी पड़ा था, ये सोचा था गोली खा ले इससे बढ़िया दो। परेशान इतने हो गए, इतना परेशान था, किसी आदमी ने मेरे को बताया, बोले तू पहलवान जी है नंदू पहलवान, वहाँ चले जा। अच्छा। जब मेरे घर के यहाँ ले आए, अब मैं आज अकेला आया हूँ। अंकल जी, जो लोग देख रहे हैं इनको क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं भाई, ये बीमारी है, और आओ नंदू पहलवान द्वारा, बिल्कुल गारंटी के साथ ठीक है। तो देख लीजिए दोस्तों, दर्शक जब ये बोल दें कि गारंटी दी जाती है, क्या कहेंगे सर, किस लिए आए हैं? मेरे को सर्वाइकल की दिक्कत है। ओके। और मैंने पहले भी बाहर से कई हॉस्पिटलों से पैनल के हॉस्पिटल सर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हूँ, दवाई ली, चेकअप वगैरह करवाए, वो कई लाखों का खर्चा हुआ, लेकिन मुझे आराम नहीं हो पाया। फिर मुझे पता लगा कि नंदू पहलवान के वहाँ सफल इलाज है। मैं 4th-5th बार आया हूँ, मेरे को 80% आराम है उसमें। 80% आराम, बहुत बड़ी बात होती है। 3-4 बार आप आए, 80% आराम हो जाए। ये तस्वीरें कुछ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देख लीजिए कि किस प्रकार से आयुर्वेदिक तरीके से जो है इलाज किया जाता है, और सम्मानित जो है देख सकते हैं आप।
देख सकते हैं जगह जगह पर इनको सम्मानित भी किया जा चुका है। ऊपर की तस्वीरें मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ये भी देख लें। अंदर इलाज चल रहा है, एक बार देख लेते हैं कि इलाज जो है कैसे यहाँ पर किया जा रहा है, वो भी एक बार आपको ज़रूर दिखाना चाहेंगे। देख लीजिए जी, जैसे इस भाई का सर्वाइकल है, काफ़ी समय से सर्वाइकल का ऊपर सिर में भी चक्कर आता है और हाथ में दर्द आ जाएगा लंबे समय से, तो उसमें अगर दर्द नस दब जाती है तो उस नस को हम निकालते हैं यहाँ पर, साथ के साथ झटका देकर दवाई देते हैं उसमें। दिखाएंगे एक बार सर कैसे करते? दिखाएंगे जी, प्रैक्टिकल आपके सामने। ये देखिए, ये आवाज जो आपने सुनी होगी, देख लीजिए दोबारा एक बार फिर सुनाने का प्रयास करते हैं। जो इसमें आवाज, बिल्कुल आवाज आपने सुनी है, और ये आवाज जी, आवाज कैसी थी? जो इसमें आवाज होती है ना, जो मन के बीच में अपनी नस दबती है सर्वाइकल की, उसी की वो जो नस निकलती है तो उसकी आवाज होती है। अच्छा, उसमें साथ के साथ जब तक नस नहीं निकलेगी उसमें आप दवाई खाते रहो, कोई फायदा नहीं है। पेन किलर खाओगे इतना आराम रहेगा, पेन किलर का इतना छोड़ दोगे वैसे ही, इसमें जब तक उस नस पर पूरा प्रभाव नहीं पड़ लिया प्रेशर। ये कितनी बार करना पड़ता है सर ऐसे? इसमें हम इसको नस को दबा कर दवाई देते हैं अपने घर पर ही। अच्छा। उसमें पता लग जाएगा पेशेंट को एक बार क्या कंडीशन है, उसी हिसाब से बता देंगे उसको। जैसे आपका इलाज इन्होंने किया, गर्दन को जो किया, आवाजें जो आई, मतलब दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं जी, दिक्कत नहीं हुई, पता नहीं चला, बिल्कुल पता नहीं चला जी। तो देख लीजिए दोस्तों, यही कहा जाता है देसी तरीका। सर क्या कुछ कहना चाहिए? पत्रकार जी एक बार इस तरह से हाथ कर गया ना, दिखाओ आगे जी, ये जो गया पूरे हाथ में, तो ये जो सर्वाइकल की नस दबी हुई है निकल गई। अच्छा, ये शिकाई होगी, साथ में दवाई चला गई हल्की फुल्की को आई हुई देखी, तो उसमें सारा आराम पड़ जाएगा। क्या कहना चाहेंगे, कितना खर्चा इस पे आ जाता है? एड्रेस भी एक बार बताएं, मोबाइल नंबर एक बार आप बताएं। इसमें भैया ये नरेला में अपना सेंटर, पहले अंदर कॉलोनी में सेंटर था, बाहर अंडर पास है लामपुर रोड का, इसके ऊपर है अपना निंदू पहलवान, मनीष पहलवान के नाम से। और हम इसमें स्क्रीन नंबर हुआ, कोई भी बात भाई कोई बात पूछना चाहता हो तो नंबर कर फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं, जैसी राय होंगे उनको बताएंगे। और समय अपना सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक है। इसमें साथ में जैसे गठिया बा और डिस्क समस्या ये तो है ही, और साथ में आजकल जो पेट की दिक्कत है नले और धरण की, उसमें ज़्यादा दिक्कत हो रही है, उसका पता नहीं चलता ना, वो कोई टेस्ट माती है जो अपने नले होते हैं, धरण होती है, वो चाहे आप अल्ट्रासाउंड करा लो, चाहे MRI करा लो, चाहे उसमें कुछ नहीं आएगी वो, लेकिन उसका पता नहीं चलता, उसका लंबा काफ़ी समय से पता चलता है, उसका 100% इलाज है अपने पास। तो देख लीजिए 100% इलाज की गारंटी यहाँ पर दी जाती है। और आपको मैं बता दूं एक बार फिर बीमारियाँ बता दूं, चाहे आपके जोड़ों में दर्द रहता हो, आपको सर्वाइकल हो, एक जो कहा जाता है अधरंग, आपको अधरंग की अगर दिक्कत है उसका इलाज यहाँ पर किया जाता है, नसों की अगर ब्लॉकेज है उसका इलाज यहाँ पर किया जाता है, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनका इलाज यहाँ पर देसी तरीके से, बिल्कुल देसी तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों, बड़े बड़े अस्पतालों में आपने बहुत पैसे खर्च कर लिए होंगे, हमें भी जानकारी मिली थी, आज हम स्पेशल यहाँ पर पहुँचे थे कि इसका जो है अपनी आंखों से हम ज़रूर देखना चाहते थे कि इलाज कैसे किया जाता है, और यहाँ पर बिल्कुल देसी तरीके से इलाज किया जाता है। देख लीजिए बिल्कुल देसी तरीके से इलाज होते हुए भी हम आपको दिखा रहे हैं। और आप सभी से अपील करूँगा कि बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो इस प्रकार से परेशान रहते हैं, और आप देख लीजिए यहाँ पर इलाज होते हुए आज हम आपको दिखा रहे हैं। अपील करूँगा आप सभी से कि इस खबर को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें। धरंडी की हुई है जी। अच्छा जी, तो धरण को सेट कर रहे हैं अभी बेटा। तो देख लीजिए धरण डिग जाती है, मतलब तो उसको यहाँ पर ठीक करते हुए आप देख लीजिए कैसे ठीक किया जाता है, बिल्कुल देसी तरीके से इलाज यहाँ पर होते हैं। और आप सभी से अपील करूँगा कि इस खबर को जितना ज़्यादा हो सके शेयर अवश्य करते रहें। जी हाँ, शेयर अवश्य करते रहें, और कमेंट कर आप भी अपनी राय ज़रूर देते रहें। देख लीजिए बिल्कुल देसी तरीके से इलाज किया गया है, बिल्कुल देसी तरीके से। इनके पेट में दिक्कत थी, जान लेते हैं सर पेट में दिक्कत थी आपको? जी हाँ, पेट में दिक्कत थी, दर्द रहता था बार बार। अच्छा, तो अब जैसे इलाज किया गया है कुछ मतलब प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, आराम है। तो देख लीजिए आराम होता है, और आप सभी से अपील करूंगा कि इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें, कमेंट कर आप भी अपनी राय जरूर दें। और आप सभी से अपील करूंगा कि यहां पर आप इन सभी बीमारियों का इलाज करवाने के लिए जरूर पहुंचे। क्या कहेंगे लास्ट? इसके अलावा पत्रकार जी, एक मैं जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, खासकर नशे के प्रति
शराब का, सुल्फे का, समय का, फीम का, कैसा भी नशा हो, हमने कई हजार लड़कों का नशा छुटवा रखा है, तो नशे के प्रति अगर किसी भाई की कोई मदद कर पाएंगे, क्योंकि समाज में सबसे पहले अपना घर मजबूत, अपना गांव मजबूत, अपना प्रदेश मजबूत और देश मजबूत, तो समाज सुधरेगा तो पूरा समाज स्वस्थ हो जाएगा। आज नशे की इतनी कैटेगरी पे ड्रिप, अगर हम किसी उसके ना कोई नशा मुक्ति केंद्र में बंद कराएंगे और ना ही उसको वो रखेंगे, पेशेंट को बता के भी दे सके हैं, बगैर बताए भी दे सके हैं। तो इसके अलावा हमारे से और भी किसी भाई का कोई सलाह लेना चाहे तो बाबू बेटा, इससे बड़ा कुछ नहीं है, इकट्ठे काम कर रहे हैं और निस्वार्थ, स्क्रीन पर नंबर दिखाए जा रहे हैं, कोई भी भाई अगर कोई स्कीम लेना चाहे, कुछ पूछना चाहे, तो निस्वार्थ उसको अगले को सलाह दी जाएगी। तो देख लीजिए दोस्तों, आज की सबसे बड़ी बीमारी है नशा, जिसमें युवा वर्ग बहुत धसता जा रहा है और हर घर में जो है नशा करने वाले मिलते भी हैं और उनका नशा छुड़वाने के प्रयास भी किए जाते हैं। तो आप सभी से अपील करूंगा, अगर नशा छुड़वाना है, चाहे कोई भी नशा है, वो बंदे को बताए बिना भी नशा यहाँ पर छुड़वाया जाता है और निस्वार्थ रूप से सेवा यहाँ पर की जाती है। तो आप सभी से मैं भी अपील करूंगा कि इस मुहिम से आप भी जुड़ें और किसी का भी नशा अगर छुड़वाना है या फिर जो बीमारियाँ हमने आपको बताई उनका इलाज करवाना है तो आप यहाँ पर जरूर पहुँच सकते हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, कमेंट कर राय जरूर दें, क्योंकि बीमारियों से जो है हमें मुक्त जरूर करना है अपने प्रदेश को, जैसे कि पहलवान जी ने भी बताया है, पहले अपने घर को बीमारियों से बचाना है, नशे से मुक्त करना है, तो इन सभी चीजों के लिए आप यहां पर पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।